आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक खत आया है आपके नाम, किसी भारतीय नागरिक ने भेजा है। ये भारतीय नागरिक चाहता है ये खत हम आपको और इन सबको पढ़ के सुनाएं। तो आपसे और इन सब से गुजारिश है, कृपया इस खत को बहुत ध्यान से सुनिए। इस लेटर का सब्जेक्ट है हमें लॉकडाउन नहीं चाहिए। इस खत में कुछ ये लिखा है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमेशा हम आपके मन की बात ध्यान से सुनते आए हैं। आज मेरा आपसे अनुरोध है, आप मेरे मन की बात को सुने। मैं लॉकडाउन का अच्छे से पालन करने के लिए तैयार हूँ, हर नियम अपनाने के लिए तैयार हूँ, काम बंद करके घर बैठने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी कुछ छोटी मोटी जरूरतें हैं जिसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, वो आप पूरी कर दीजिए, फिर मुझे लॉकडाउन मंजूर है। जरूरतें कुछ ऐसी हैं, क्या आप मेरे बूढ़े माँ बाप की दवाइयों का खर्चा दे सकते हैं? मेरी रोजी रोटी, उठना बैठना, मेहमान नवाजी में होने वाला खर्चा क्या आप मुझे दे सकते हैं? घर, गाड़ी, दुकान के लिए चल रही ईएमआई को क्या आप माफ कर सकते हैं? मेरे बच्चों की आसमान छूती हुई स्कूल फीस क्या आप दे सकते हैं? समय से आप तक पहुँचने वाला टैक्स इस साल मैं ना भरूँ तो चलेगा? क्या आप मेरा इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल माफ कर सकते हैं? आगे मुसीबत के समय काम आए क्या वो सेविंग आप मुझे दे सकते हैं? मेरी बहन और बेटी की शादी की जिम्मेदारी क्या आप ले सकते हैं? संक्रमण ना फैले इसीलिए हम घर में ही रहें। जरूरत की सारी चीजें क्या आप मेरे घर तक डेली पहुंचा सकते हैं? घर बैठने के लिए मनोरंजन जरूरी है, मोबाइल, इंटरनेट, अमेज़न, नेटफ्लिक्स, क्या इन सब के बिल्स आप पे कर सकते हैं? जरूरतमंद की मदद करना मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं घर पर रह लूंगा लेकिन गरीबी और भूख से एक भी इंसान और जानवर नहीं मरेगा, क्या इस बात का वादा आप कर सकते हैं? इतनी जिम्मेदारियों के रहते मैं घर पर कैसे बैठा रहूं? क्या इस बात का जवाब आप मुझे दे सकते हैं? अगर आप मेरी ये सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं तो 136 करोड़ भारतवासी मेरा साथ देने के लिए तैयार होंगे। हमें विश्वास है आप सब मिलकर 136 करोड़ लोगों की जरूरतें पूरी कर ही लेंगे और हम आपका सहयोग देके घर में ही रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं भी आप ही की तरह हूँ, खुद कमाकर खाने में विश्वास रखता हूँ। कैसा कलयुग आया है, जो दिन रात मेहनत करने को तैयार है उसी को मेहनत करने के लिए लड़ना पड़ रहा है। रोज सुबह कोरोना के डर से जान हथेली पे लेके दुकान के लिए निकलता हूँ और लौटते समय पुलिस के डंडे और फाइन्स का प्रसाद लेते आता हूँ। मेरे मन में बस एक ही बात है, मुझे ये लॉकडाउन नहीं चाहिए। इस समस्या से लड़ने का कोई और उपाय ढूंढिए। ये लॉकडाउन का विचार अब आप त्याग दीजिए, हमें हमारी रेगुलर लाइफ वापस दे दीजिए। मेहनत कर खुद कमा के खाने की अनुमति दीजिए। ये लॉकडाउन का विचार अब त्याग दीजिए। एक भारतीय नागरिक दोस्तों, ये लेटर पढ़ के मेरी आंखें नम हो गई, क्योंकि आपके और मेरे मन की भी यही दुविधा है। अगर आप भी इन सारी बातों से सहमत हैं, अगर आपके मन में भी यही बात है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं इस खत से सहमत हूँ, मैं इस लेटर से सहमत हूँ। आपको, मुझे, हम सबको मिलकर ये आवाज़ उठानी है और एक आम आदमी की दुविधा इन सब तक पहुँचानी है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ आप चाहें वहाँ इस वीडियो को शेयर करें, जिसे आप चाहें उसे इस वीडियो पर टैग करें, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, न्यूज चैनल्स हो, बॉलीवुड हीरोज हो, जिन तक आप ये बात पहुंचाना चाहते हैं उन तक ये बात पहुंचाएं। हम सब मिलकर जब शेयर और टैग करेंगे तो ये आवाज उन तक जरूर पहुंचेगी। आज चुप मत बैठिए, आवाज उठाइए, शेयर कीजिए, टैग कीजिए, कमेंट कीजिए। हम ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुँचा कर ही रहेंगे। जब हम सब मिलकर ये कदम उठाएंगे तो फर्क जरूर पड़ेगा।
अगर आपको हमारे वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।